अगली खबर कोटपुतली से है, जहां राहुल गांधी की 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, 2 हेलीपैड, 4 प्रवेश द्वार सहित जयपुर ग्रामीण SP ने लिए व्यवस्थाओं का जायजा। लोकसभा चुनाव जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पूनिया के समर्थन में 29 अप्रैल को कोटपुतली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अतिरिक्त डिप्टी CM सचिन पायलट, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, वेस्टेज मोटर गैराज राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव सहित तमाम क्षेत्रीय नेताओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी। सभा स्थल की तैयारियों को लेकर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, कोटपुतली विधायक एवं स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव अगुवाई में तमाम कार्यकर्ताओं, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की गई। सभा स्थल का जयपुर ग्रामीण SP हरेंद्र सिंह महावर, SDM डॉक्टर सत्यवीर यादव, ASP भरत मल मीणा, DSP दिनेश यादव, प्रशिक्षु RPS प्रियंका कुमावत, ASO जहीर अब्बास ने जायजा लिया। तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी के द्वारा हेलीपैड में सभा स्थल के आसपास पानी का छिड़काव किया गया। तो वहीं हेलीकॉप्टर ने भी हेलीपैड पर उतरकर ट्रायल के बतौर अपनी पोजीशन लेने की कोशिश की। मौजूदा अधिकारियों के साथ SPG के अधिकारियों ने सभा स्थल, पार्किंग स्थल व सभा के लिए कॉलेज में आने के लिए प्रवेश व निकासी द्वार सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के लैंडिंग कराने के लिए खाका तैयार कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी अनहोनी घटना को टाला जा सके। सुरक्षा की दृष्टि से इंटेलिजेंस के अतिरिक्त CID जोन, जिला विशेष शाखा पुलिस तथा प्रशासन से जुड़े अधिकारी दिन रात क्षेत्र में सक्रिय रहकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं व फीडबैक के आधार पर सुरक्षा का घेरा भी परिवर्तनशील रखा गया है, जबकि पूरी विजिट की जिम्मेदारी SPG टीम की होगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर सतवीर यादव के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की विजिट के मद्देनजर सवाई स्थल के रूप में राजकीय LBS PG कॉलेज को चयनित किया गया है, जहां पहले से हेलीपैड बना हुआ है। इसके अलावा हेलीपैड की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए राजस्थान स्कूल में बने हेलीपैड को भी ठीक कराया जा रहा है। पार्किंग के लिए राजकीय पाना देवी कॉलेज का खेल मैदान, विक्रय सहकारी समिति स्थल का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त नीम का थाना की ओर से आने वाले वाहनों के लिए पाना देवी कॉलेज, बहरोड वेद दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों के लिए क्रय विक्रय सहकारी समिति, अलवर बानसूर से आने वाले वाहनों के लिए कृषि उपज मंडी, जयपुर से आने वाले वाहनों के लिए गैस एजेंसी के पास दोनों का चयन किया गया है। सभा स्थल पर आमजन के प्रवेश के लिए स्थायी रूप से कॉलेज की 4 दीवारी को तोड़कर 2 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जिसका नंबर 3 व 4 रखा गया है, जबकि 1 नंबर गेट तो सिर्फ गेट रखते हुए जिनसे किसी प्रकार की एंट्री नहीं होगी, केवल टारगेट में शामिल वाहन ही आ जा सकेंगे। तो वहीं गेट नंबर 2 से मीडिया व VIP एंट्री होगी, जबकि गेट नंबर 3 व 4 से आमजन प्रवेश कर सकेंगे।